रास्ता दे दे यार, रास्ता पीछे जगह छोड़ दी थोड़ी सी, वाला है वो आज थोड़ा सा साइड हो जाए यार, दोस्त लोग साइड हो जाए, व्हाट्सएप थोड़ा सा साइड तो हो जाए यार, यार बस करो ना यार, बस करो ना यार, बस करो, बस करो, हो गया ना। रिपोर्ट पेश की गई है जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसकी डिटेल्स पेश की गई। नंबर वन पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी, चूँकि आप जानते हैं कि मैं और मेरा ऑफिस जो है उसमें मेरे पार्टनर्स जो हैं वो शाजिब मसूद और बैरिस्टर साद भुट्टर कॉमनली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जवेरिया सिद्दीकी, जो शहीद अरशद शरीफ साहब की भी जो हैं वो जौजा हैं, तो उनको जो हमने रिप्रेजेंट किया उनकी तरफ से अपना वर्जन रखा कि हमें सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि जो SHO की मुदैयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुगरा बीबी केस को बुनियाद बनाते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि ऑब्वियसली जितने मुकदमे के फरीकैन हैं उनके पास अपना इंडिपेंडेंट राइट है कि वो अपना वर्जन रिकॉर्ड करवा सके इंडिपेंडेंटली। तो और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि जो अब SJIT जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है या सबमिट किया जा रहा है कि स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, उसमें भी हमने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि शहीद अरशद शरीफ की फैमिली की कंसेंट लाजमी ली जाए कि कोई इंटेग्रिटी वाले वो लोग जो कि किसी भी किस्म का किसी भी क्वार्टर से जो सा है वो इन्फ्लुएंस ना लें, उनको लाजमी तौर पर फैमिली की कंसेंट के साथ जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए। और तीसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट ऑफिशियल रिपोर्ट जो सबमिट कराई गई है वो नहीं जो कि व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर रही है, चूँकि उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन और पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग जो है वो रहती है, तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि उसकी ऑफिशियल कॉपी जो है वो हमें दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने वेरी काइंडली अलाउ किया और हमें हदायत दी है कि हम उसको सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर लें। और इन्हीं हालात की रोशनी में आपको ये वाजे करते चलें कि जो शहीद अरशद शरीफ की जो फैमिली है उनका मोटिव बड़ा वन लाइनर है कि कोई भी शख्स चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, अगर उसने छोटा या बड़ा कोई भी रोल प्ले किया है शहीद अरशद शरीफ को कत्ल करने में और शहीद करने में, वो सामने आना चाहिए। दी मोटिव ऑफ द फैमिली इज़ जस्ट टू टेक द ट्रुथ आउट ऑफ इट, सच सामने आए, कोई भी शख्स है किसी भी बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखता है चाहे वो कमज़ोर है या वो ताकतवर है, सच सामने आना चाहिए। उनकी वालदा की तरफ से कहा गया है कि मेरे नाम लिख के दे दिए हैं कि जिन्होंने मेरे बेटे को कत्ल किया, वो नाम कौन कौन से हैं? देखें जो क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शहीद अरशद शरीफ की वाइफ को जवेरिया सिद्दीकी को, तो जो शहीद अरशद शरीफ की वालदा साहिबा ने जो नाम दिए हैं वो पब्लिक होने चाहिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच को सेपरेट कॉपीज़ दी गई हैं, उनका वर्जन जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। वो नाम सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम में मुनासिब समझा कि फ़िलहाल डिस्कस ना किए जाएं, लेकिन वो जो भी नाम हैं वो उनकी वालदा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये उन्होंने अपनी अपना इंडिपेंडेंट जो उनकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज था जो उनके पास मटीरियल है उसकी बेसिस पे आर्टिकुलेट किए हैं, तो ये वो बेहतर पोजिशन में है जो आपके सामने वो सब्सटेंशिएट कर सकें या वो शेयर कर सकें, लेकिन वो नाम भी पब्लिकली जो भी कोई नाम है वो सामने आने चाहिए। देखें हमारी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है और एक तकाजा है कि इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट प्रोसीडिंग जो है वो सामने आए, ताकि जो भी जिम्मेदार है चाहे किसी भी बैकग्राउंड से है वो सामने आया जाए और उसको स्ट्रांगली प्रोसिक्यूट जो सा वो किया जाए, उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी की जाए, और अगर वो कोई गैर सरकारी नहीं सरकारी आदमी है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जो सा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किसी भी बैकग्राउंड से है उसके खिलाफ इनिशिएट की जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई जाए। आज जब समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को बताया कि FIR अदालत के हुक्म के मुताबिक थाना रमना में दर्ज हो चुकी है, और उन्होंने अदालत को बताया कि उसमें 3 मुलजमान को नामजद किया गया है, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी जो है वो अदालत में जमा करा दी गई है। आज FIR के हवाले से जब बात हुई तो इस मौके पर रोस्टम पे अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया और उनसे पूछा
कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम, उन्होंने एक एप्लीकेशन बंद लिफाफे के अंदर चीफ जस्टिस साहब को पेश की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे अक्षय शरीफ के कत्ल के हवाले से जिन लोगों को हम नामजद करना चाहते हैं उनके नाम मेरी इस दरख्वास्त में मौजूद हैं, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश थी और कल से वो कह रही थी कि मेरी मुदैयत में और मेरी दरख्वास्त पर FIR दर्ज होनी चाहिए। आज जब उन्होंने रोस्टम पर आके बताया तो उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा तो चला गया है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि ये अदालत ऐसे इकदाम करे कि आज के बाद कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान में लापता ना हो और किसी और जर्नलिस्ट को अर्शद शरीफ की तरह शहीद ना किया जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब को हुक्म दिया है और हुकूमत को हदायत की है कि आप अर्शद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा का बयान इनके घर जाकर रिकॉर्ड करें। जो ये बयान देना चाहती हैं वो बयान आप इनका रिकॉर्ड करें और इनको सेटिस्फाइड भी करें। इसके अलावा अदालत ने ये पूछा, क्योंकि ये तफ्तीश तलब केस है, मर्डर जो है वो कीनिया में हुआ है, तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने ये बताया कि हुकूमत इसके लिए स्पेशल पहले JIT की बात करते थे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, अब उन्होंने कहा कि स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हुकूमत कायम कर रही है जिसमें FIA इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी शामिल होंगे। इसके हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने यह हदायत की है कि क्योंकि यह दूसरे मुल्क का मामला है, इसलिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपना असर सूख इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कीनिया के अंदर जो वाकयात रूनमा हुए हैं उनकी तह तक पहुंचा जा सके। इसलिए बार बार चीफ जस्टिस साहब आने आइए कहा है कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ये आई वॉश नहीं होना चाहिए, इसमें तलाश करें जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, जो अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, उनको इस टीम का हिस्सा बनना चाहिए। और आज अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से अदालत को ये यकीन दहानी कराई गई है कि आज रात तक ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दे दी जाएगी। इस पर अदालत ने ये बताया कि क्योंकि हमें रात में ये रिपोर्ट मिली है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की है, अभी तक अदालत ने भी उसको पूरा नहीं पढ़ा, अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि मैंने भी वो पूरा नहीं पढ़ सका, तो इसलिए समाप्त कल तक मुलतवी कर। जी मैंने भी ये बताया है कि उन्होंने एक बंद लिफाफे के अंदर चीफ जस्टिस साहब को एक दरख्वास्त पेश की है और उन्होंने ये कहा है कि मेरी दानिश के मुताबिक जो लोग अर्शद शरीफ के कत्ल में सहूलतकार या मुलव्वस हैं मैंने उनके नाम इसमें दिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरा ये मेरा ये सॉरी भाई साहब।